ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस् त्वन्न वन्ति दिव्येस्तवै बीदे संघ पदक्रमो उपनिषदे गायन्ति जं सामगा ध्यान आवस्थिततदगतिन मनसा फश्यन्ति यं योगिनो यस्यांतं न विद सुरासुर गणा देवाय तस्मि नमः मैं कमलेश शाह साहब प्रोफेसर जोथा संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया पश्चिम चंपारण मैं आज उपशास्त्री जिनका विषय व्याकरण है एवं शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए जिनको अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जाती है जिसके अंतर्गत लघु लवसिद्धा, लघु सिद्धांत कोमदी नामक को पुस्तक पढ़ाई जाती है जो भरदराज भट्टाचार्य द्वारा विरचित है उसका कुछ लघुत्तरीय प्रश्न बतलाने जा रहा जैसे लघु सिद्धांत कौमद्या रचयिता कह यह लघु सिद्धांत कौमदी ग्रंथस्य रचनाकार कह का। उत्तर होगा बरदराज भट्टाचार्य बरदराज भट्टाचार्य रचयिता लघु सिद्धांत कोमुद्या लघु सिद्धांत कोमुद्या रचयिता कह यह हुआ प्रश्न उसका उत्तर होगा बरदराज भट्टाचार्य लघु तिर विकल्प प्रश्न में चार विकल्प दिए हुए रहेंगे उसमें जहां बरदराज भट्टाचार्य का नाम होगा वहां क ख तीन चार करके जो विकल्प रहेगा उस पर टिक मारना है वो लिखना है क ख या एक दो ऐसे करके चार विकल्प लव सिद्धांत को मध्याह सहिता कह बरदराज भट्टाचार्य दूसरा क्वेश्चन लघु सिद्धांत कौमद्या उपजीव्यम किम लघु सिद्धांत कौमदी उपजीव्य क्या है तो अष्टाध्यायी का उपजीव्य है मुख्य ग्रंथ व्याकरण शास्त्र का मुख्य ग्रंथ हुआ पानी रचित अष्टाध्यायी जिसको आधार मान करके बलराज भट्टाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमदी नामक ग्रंथ की रचना की है इसीलिए लघु सिद्धांत को उपजीव्यम किम सूत्र तीसरा प्रश्न हुआ सूत्र रचयिता कह अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है भगवान पाणिनि उत्तर होगा पाणिनि अष्टाध्यायी ग्रंथ व्याकरण शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है अष्टाध्यायी इसके रचनाकार है पाणी माहेश्वरानी सूत्राणी कति संति माहेश्वर सूत्र कितने हैं उत्तर होगा चतुर्दश माहेश्वरानी सूत्राणी संति चौदह विकल्प में दिया रहेगा चार विकल्प चौदह अठारह सोलह पैसे करके चौदह चतुर्दश मानी सूत्राणी संहेश्वराणी सूत्राणी कथ सन्ती चतुर्दश माहेश्वराणी सूत्राणी माहेश्वर सूत्र अब प्रश्न होगा प्रश्न है माहेश्वर सूत्राण प्रयोजनम किम माहेश्वर सूत्रों का क्या प्रयोजन है अनादि संज्ञार्थाई माहेश्वर सूत्राणी अण अक अच आदि जो प्रत्याहार बनते हैं प्रत्याहार विधायक यह सूत्र है इससे प्रत्याहारों का निर्माण होता है ये अनादि संज्ञार्थानी माहेश्वराणी सू सूत्राणी कणी संति माहेश्वरानी सूत्राणी माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं अयोण रिलडेक एवं अयोच हाय वरट लाण यमगारणम झव है घर दस जब घर दस खफ छफ है सक्सरहल ये चौदह माहेश्वर सूत्र हैं इसको एक इनको एक, एक, बार पुनः सुन लिया जाए अयोण अरे एवं से ई ऊं आय उह हाय और अट ल ण यम कारणम जव है घर दस जव गदस ख फ छ थ थ त व क प स स र माहेश्वर सूत्रा प्रश्न है माहेश्वर सूत्राणां की वर्णैतह माहेश्वर सूत्राणम की वर्णै इता उत्तर है माहेश्वर सूत्राणाम अंत्यावर्णा इत माहेश्वर सूत्रोदय जो माहेश्वर सूत्र है उनका जो अंतिम वर्ण उनकी इत संज्ञा होती है कहता है माहेश्वर सूत्राण के वर्णा इतः माहेश्वर सूत्राणाम अंत्यावरण इतः अगला प्रश्न है हकारा हकारादिस्व हकारा हकारादिस्वकार किमर्थ उत्तर है हकारा विश्वकार उच्चारणार्थ इत संज्ञा विधायक सूत्र किम प्रश्न है इत विधायकं विधायक सूत्र किम या इत संज्ञा सूत्र किम उत्तर होगा हलंत्यम उपदेश अंत्यम हलित उपदेशावस्था में अंत जो हल अर्थात व्यंजन वर्ण उसकी संज्ञा होती है इत संज्ञा विधायक सूत्रम किम या इत संज्ञा सूत्रम किम प्रश्न उत्तर होगा हलअम उपदेशी अंत्यम हलित अगला प्रश्न है उपदेश से किंग लक्षणम उपदेश कि उपदेश का क्या लक्षण है उपदेश आद्य उच्चारण उपदेश आद्योच्चारणम उपदेश आद्योच्चारण प्रथम उच्चारण को कहा जाता है अब अगला प्रश्न है लोप संज्ञा सूत्रम किम लोप संज्ञा विधाय लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम किम लोप संज्ञा सूत्र क्या कौन है या लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन है कौन? क्या है अदर्शनम होगा उत्तर होगा अदर्शनम लोप प्रसक्त सियात दर्शनम लोप संज्ञा सदर्शनम लोप दर्शनम लोप प्रसक स्यादर्शनम लोप संज्ञा सब अगला प्रश्न है लोप संज्ञा लोप लोप, लोप, लोप लोप विधायकम सूत्रम किम लोप संज्ञा विधायकम विधायकम सूत्रम किम उत्तर है तस्य लोप हल सूत्र से जिसकी संज्ञा करते हैं उसका तस्य लोप से लोप हो जाता है मतलब वो वर्ण हट जाता है तो लोप संज्ञा सूत्रम किम लोप संज्ञा विधायकं सूत्रम किम प्रश्न रहेगा तो तस्य लोप सूत्र तस्य इतो लोप प्रश्न है माहेश्वर सूत्रे नकारादि अनुबंधा नाम किम प्रयोजनम प्रश्न है माहेश्वर सूत्रे नकारादि अनुबंधा नाम क्रिम प्रयोजनम उत्तर होगा अनादय अनाद्य अर्था आदयो अनाथ्यर्था अगला प्रश्न है हलादि प्रत्याहार विधायकं सूत्रम किम उत्तर है आदि रन्तिने सहेता हलादि प्रत्याहार विधायकं सूत्रम किम उत्तर है आदि रन्तिने सहेता अंतिये नेता सहित आदि मध्यगानां स्वस्विच संघस्यात अब प्रश्न है उकालो धृष्टु दीर्घ पुलतः सूत्र लिखन उलोज्रस्व दीर्घ सूत्रस्य सूत्रस्थं लिखन्तु ऊष ऊच वह बल इव कालोजस् स्वचक्रमात् ह्रस्व दीर्घ पुलुत ऊश्च ऊश्च वह बल इव जस्य सुअक्रमात ह्रस्व दीर्घ पुलुत उत्तर हुआ अब प्रश्न है प्रत्येक के भेदा प्रत्येक अचांग प्राथमिक के प्राथमिका भेदा उत्तर होगा उदात्त अनुदात्त स्वरित उदात्त अनुदात्त और स्वरित अब अगला प्रश्न है उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र किम या उदात्त संज्ञा सूत्र किम सूत्र होगा उच्चेर उदात्तः अगला प्रश्न है अनुदात संज्ञा विधायक सूत्रम किम निचेर अनुदात अनुदात संज्ञा विधायक सूत्रम नीचेर अनुदात स्वरित संज्ञा सूत्रम किम स्वरित संज्ञा सूत्र कौन है समाहार स्वरित उदातत्व अनुदातत्व वर्ण धर्म समाहिये जस्मिन सो सोअच सो अच स्वरित संज्ञा अब कहता है जो प्रश्न है अनुनासिक संज्ञा सूत्र किम अनुनासिक अनुनासिक संज्ञा सूत्र किम उत्तर है मुखनासिका वचनो अनुनासिका मुख नासिका वचनो अनुनासिक मुख सहित नासिक यो चार्जमानो वर्णो अनुनासिक संज्ञा अब अगला प्रश्न है केशम अचाम अष्टादश भेदा संत केशम अचाम अष्टादश भेदा संत किन अचो को अठारह भेद होते हैं तो ओ ई उ री ओ वर्ण न प्रत्येक मष्टादस भेदा ओ उ री इनके अठारह भेद होते हैं उत्तर हुआ अब प्रश्न है कैसा अचाम दीर्घाभाव द्वादश भवंती किन अचों के दीर्घ के अभाव के कारण बारह भेद होते हैं लिवर्ण से द्वादश दस लिवर्ण है उसके बारह भेद होते हैं चूंकि उनको दीर्घ का अभाव है अगला प्रश्न है कश्य अच अच्छा, हस्वाभाव द्वादश भेदा भवन किन अचों को ह्रस्व का अभाव होने के कारण बारह भेद होते हैं तो आई ओ ए ओ, ओ। वर्णाण ए ओ, आई ओ। ये चार वर्ण हैं, इनको बारह फेद होते हैं अब प्रश्न है सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम किम सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन है सवर्ण शव, संज्ञा विधायक सूत्रम किम सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन है उत्तर होगा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम तुल्यास्य प्रयत्न सवर्ण ये इसका सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है उसका वृत्ति होता है तालवादिस्थान प्रयत्न चेती यस्य येन तुल्यम तनमिथ सवर्ण संज्ञा सवर्ण सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम अब प्रश्न है रिल वर्णयो सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र किम रील री वर्ण यो सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम किम री ली वर्ण यो मिथ सावर्ण्यम री ली ये वार्तिक है री ली वर्ण यो मिथ अब प्रश्न है केशा वर्णा उच्चारण स्थान कंठ किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है किनकिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है अर्थात कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठ अवर्ग क ख गौ ह और विसर्ग का कंठ स्थान है अः अ -आ, आ कवर्ग कौ हो और विश का उच्चारण स्थान कंठ से अर्थात इनका उच्चारण कंठ से होता है उसके बाद है केशाम वर्णा नाम उच्चारण स्थान तालु किन किन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है तो इचुअसान तालु ई च और तालव्य स इनका उच्चारण तालु स्थान से होता है अगला प्रश्न है केसाम वर्णा नाम उच्चारण स्थान मूर्धा किन किन वर्णों का उच्चारण मूर्धा स्थान से होता है मूर्धा से होता है तो ऋतु रथान मूर्धा ऋ ढ रूर्धन स इनका मूर्धा से उच्चारण होता है अब अगला प्रश्न है केसांग वर्णा नाम उच्चारण स्थान दंता दंता किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है दांत है दिद्रसा नाम दंता लिड़ी और स इनका उच्चारण स्थान दंत है केसाम वर्णा उच्चारण स्थानंग ओष्ठो किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है या उष्ठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है तो उपदमा ओष्ठो ऊ पवर्ग प फ ब उपद्मी का ओष्ठ स्थान होता है अगला प्रश्न है एकार औकारोह उच्चारण स्थानम किम एकार एक उच्चारण स्थानम किम ऐ देतो कंठ तालु ऐ का और एक एका और ऐ का कंठ और तालु है कंठ और तालु के संयुक्त स्थान से ए और ऐ दोनों वर्ण का उच्चारण होता है इसी प्रकार अगला प्रश्न है ओ इति वर्ण उच्चारण स्थानम किम ओ ओ और ओ, इन दोनों वर्ण का कंठ और ओष से उच्चारण होता है वकार से उच्चारण स्थानम किम वकार का दांत व का और ओठ से उच्चारण होता है अनुनासिकस से उच्चारण स्थानम किम अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका नाक के द्वारा होता है तो उसमें वर्ण अनुशांसिक वर्ण कहलाते हैं न नो, 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 नो और मो। इनका नासिका स्थान भी है यत्न यत्न कथिधा के चती भेदा यत्न कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन यत्नो द्विधा यत्न दो प्रकार के होते हैं आभ्यंतरो वाष्य एक आभ्यंतर अर्थात भीतरी और दूसरा वास बाहरी प्रश्न रहेगा जत्न कतिधा या कतिविध यत्न द्विधा द्विधा के जती भेदा आभ्यंतरो वाष्य आभ्यंतर और वास इस प्रकार से आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है नमस्कार